गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई और वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक दिन पहले ही गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उम्मेद पहलवान को दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया था। उम्मेद पहलवान पर वीडियो के जरिए नफरत फैलाने और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। उम्मेद पहलवान को कल गिरफ्तार किया गया था। गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तारी हुई थी और आज कोर्ट में पेश किया गया। गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया उम्मेद पहलवान को। उम्मेद पहलवान पर धार्मिक भावनाओं को सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप लगा है। ये सारा का सारा प्लान इन्हीं के द्वारा बनाया गया और एग्जीक्यूट किया गया। इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा राजनीतिक लाभ पाने की इसके द्वारा बताई गई। ये क्षेत्र में अशांति फैला करके अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहता था। तो ये गाजियाबाद SSP को आप सुन रहे थे। अमित पाठक कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से उम्मीद पहलवान की तरफ से ये पूरा खेल रचा गया था कि कैसे एक मामले को धार्मिक रंग दिया जाए, कैसे इस मामले के जरिए नफरत फैलाई जाए, कैसे इस मामले के जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए। अभी तक की पूछताछ में आप SSP कह रहे हैं कि ये मंशा निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उम्मेद पहलवान से अभी भी आगे पूछताछ जारी रहेगी। बुजुर्ग की पिटाई मामले में दरअसल आरोप ये है उम्मेद पहलवान पर कि उम्मेद पहलवान ने सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्ग की पिटाई मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की, सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की और इस पूरे मामले को लेकर लगातार गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच खोज रही थी, तलाश रही थी उम्मेद पहलवान को और कल LNJP अस्पताल के पास से उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को एक अलग ही कहानी गढ़कर सामने रखा गया, उसके बाद से यह लग रहा है कि उम्मेद पहलवान ही इस पूरे खेल का फिलहाल मास्टरमाइंड है। लेकिन अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर पूरा उद्देश्य क्या था। क्या उम्मेद पहलवान सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे कुछ और लोग काम कर रहे थे, या फिर उम्मेद पहलवान ही इस पूरे मामले में साजिश करता है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, अभी SSP गाजियाबाद को सुन रहे थे, अमित पाठक कह रहे हैं कि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें लग रहा है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मंशा से दरअसल ये पूरा खेल रचा गया था। अब तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत, लग रहा है कि कुछ और तथ्य निकलकर सामने आ पाएंगे पूछताछ में। जी देखिए, जो पूछताछ उम्मेद पहलवान से अब तक गाजियाबाद पुलिस ने करी थी उसके मुताबिक उम्मेद पहलवान ने ही ये पूरी मनगढ़ंत कहानी रची। उन्होंने बुजुर्ग को हाईजेक किया, बुजुर्ग से झूठा बयान कहने का दबाव बनाया और उनके साथ फेसबुक लाइव करके जानबूझकर उन्होंने लोनी बॉर्डर थाने में FIR दर्ज कराई, जबकि घटना दूसरे इलाके में हुई थी। और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आगामी नगर पालिका और जो अन्य चुनाव है उसमें टिकट पाने की मंशा से उन्होंने ये पूरा प्रोपोगंडा बनाया, उसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। और इसकी खुद तस्दीक जो है वो गाजियाबाद के SSP ने करी है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने महज एक ताबीज विवाद को इतना बड़ा मजहबी रंग दिया, उसे प्रचार किया, उसका फेसबुक लाइव किया और जो कहानी है उसे गलत ढंग से जो है वो पुलिस के सामने रखा और लोगों के सामने रखा, ताकि एक माहौल जो है वो बिगड़े और उनको उसका राजनीतिक लाभ हो। इसी वजह से जो मोबाइल फोन है वो भी बरामद किया गया है उम्मेद पहलवान का, और उसमें कई व्हाट्सएप चैट जो है उम्मेद पहलवान ने डिलीट कर दिए हैं, जिसको वापिस हासिल करने के लिए जो व्हाट्सएप है उसे खत भी लिखा है गाजियाबाद पुलिस ने। उसका जवाब जब आएगा उसमें कई और जानकारी गाजियाबाद पुलिस को मिलेंगी। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि तफ्तीश अभी भी जारी है कि उम्मेद ही इस घटना के मास्टरमाइंड थे इस पूरी कहानी के, या उनके पीछे कुछ और भी चेहरे हैं बड़े जिन्होंने उम्मेद पहलवान को करने के लिए कहा था। ये तमाम तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन फिलहाल जो जिला कोर्ट है गाजियाबाद की, वहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उम्मेद पहलवान को डासना जेल भेज दिया गया है। अब कैसे आनंद इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करेगी, तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी, किन बिंदुओं पर जांच हो रही है? जी देखिए, जब उम्मेद पहलवान ने जो पूछताछ करना था वो पूछताछ तो खत्म हो चुकी है, तो वो जेल चले गए और बाकी जो 10 आरोपी थे उन्हें भी जमानत मिल गई, जमानती धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पुलिस जो टेक्निकल इसमें सबूत हैं, जो डिजिटल सबूत हैं, वो इकट्ठा कर रही है, जो मोबाइल फोन
से जो डेटा इन्होंने डिलीट करा है उसको हासिल करने की कोशिश की जाएगी। जो व्हाट्सएप चैट या जो मैसेज हैं या जो फोन कॉल किए थे सीडीआर, वो पुलिस खंगाल रही है ताकि पूरा ताना बाना पता चल सके कि फरारी के दौरान उमेद ने किन किन लोगों से संपर्क किया। और जिस तरह से घटना के अगले दिन उमेद पहलवान अब एक शख्स के जरिए इस बुजुर्ग तक पहुंचे, उनको उनको साथ में लेकर उन्होंने फेसबुक लाइव किया और उन्होंने ही बुजुर्ग को पूरी कहानी मनगढ़ंत तरीके से पुलिस के सामने और जनता के सामने मीडिया के सामने रखने का दबाव बनाया और अपने कहने पे बुजुर्ग से अपने हिसाब से सारी चीजें कराई। तो एक पूरी सोची समझी साजिश थी, पूरी सोची समझी स्क्रिप्ट थी, उसके तहत उमेद पहलवान ने काम किया। पुलिस ने पूरी पृष्ठभूमि भी उमेद पहलवान की खंगाली है। पिलखुआ के गांव के रहने वाले उमेद पहलवान ने शुरुआत में चोरी और झपटमारी की घटना करते थे और उसके बाद गाजियाबाद के कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आके इन्होंने अपनी राजनीतिक भविष्य जो है वो तलाशना शुरू करा। लोक दल और सपा से जुड़े और जीडीए में साल 2016 में ये मनोनीत सदस्य भी रहे हैं जीडीए के, तो काफी रुतबा था लोनी बॉर्डर इलाके में और इसलिए जानबूझ के इन्होंने अपने प्रभाव वाले इलाके में ही ये बुजुर्ग के साथ जाके एफआईआर दर्ज कराई जो पूरी झूठी निकली और मनगढ़ंत निकली। शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। डासना जेल भेजा गया उमेद पहलवान को, आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गाजियाबाद कोर्ट की तरफ से उमेद पहलवान को भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में अब पुलिस आगे भी छानबीन तफ्तीश कर रही है, पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, कल ही उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई थी, एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया था और आज गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया उमेद पहलवान को। उमेद पहलवान पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। सोशल मीडिया के जरिए बुजुर्ग पिटाई मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप है और इसी मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन गाजियाबाद कोर्ट की तरफ से अब उमेद पहलवान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उमेद पहलवान को और फिलहाल डासना जेल में रखा गया है।